Hello and good morning, everyone. Welcome back after a long, long wait. So here I am back again, English Wali Joseph ma'am. Before I begin my new day, I would request you all, first of all, those who are new to my channel, जो मेरे चैनल पे नए हैं, आपका स्वागत, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे English Wali Joseph ma'am के चैनल पे. Please do like, subscribe and share. और आज हम आपके लिए जो सेंटेंसेस लेके आए हैं वो हम रोज जिस बोलने जाने वाले सेंटेंसेस है, नॉर्मल सेंटेंसेस जो आप बहुत जल्दी आसानी से सीख सकते हैं. सो बिना वक्त जाहिर किए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन. बट बिफोर आई बिगिन, प्लीज डू डोंट नॉट फॉरगेट टू प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वाली जोसेफ मैम. एंड इफ यू फाइंड दिस चैनल वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, अगर आपको लगता है कि ये आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा है और हेल्पदायक है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके रोजमर्रा जिंदगी में, लाइफ में, लाइफस्टाइल में, सो प्लीज शेयर करिएगा जरूर. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सिंपल सेंटेंसेस जो आप डेली हम लोग बोलते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दी सेंटेंसेस जो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, जो आसानी से रोज बोलने वाली सेंटेंसेस है. तो आज सीखेंगे हम लोग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग. ये हम लोग अपने फ्रेंड से, किसी से जा रहे हैं, जैसे किसी को पूछ सकते हैं, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हम लोग, वेयर आर वी गोइंग. क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम. अगर वो लड़का है तो हिम बोलेंगे और लड़की है तो वो हर बोलेंगे. डू यू नो हर, नहीं मैं उसे नहीं जानता, नो आई डोंट नो हिम. और यू कैन से नो आई डोंट नो हर, अगर लड़की है तो हर यूज करेंगे. आप कहाँ से हैं, वेर आर यू फ्रॉम. कोई नया इंसान अगर आपसे मिलता है तो आप उससे पूछेंगे, जाने की जिज्ञासा आप उस पर पूछेंगे, तो वेर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं. आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक. ये जनरल कॉन्वर्सेशन है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं. मुझे गेम खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू प्ले गेम्स. ये जो बच्चे कॉन्वर्सेशन करते हैं आपस में, सो इफ दे नो देन उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं. आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले. या बच्चे से पूछ रहे हैं इंग्लिश में, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. अगर वो लड़का है तो बोलेगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, अगर वो गर्ल है तो वो बोलेगी कोई दूसरा, आई लाइक टू प्ले विद डॉल. आप किस स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू स्टडी. आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव. जनरली हम लोग बच्चों से ये चीजें पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करने के लिए. मेरा एक ही दोस्त है, आई हैव ओनली वन फ्रेंड, आई हैव ओनली वन फ्रेंड. क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड. अगर आप किसी न्यू बच्चे से मिलते हैं, न्यू दोस्त से मिलते हैं, तो आप उससे इंग्लिश में वैसे बात कर सकते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड. हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स. नए दोस्त बनाने के लिए तो आप ऐसे ही बोलेंगे. क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी. नहीं मुझे नहीं पसंद है, नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक. अगर आपको पसंद है तो आप बोलेंगे यस आई लाइक, यस आई लाइक. अगर नहीं पसंद है, नो आई डोंट लाइक, नो आई डोंट लाइक. आपका मास्क कहाँ है, वेयर इज योर मास्क, वेयर इज योर मास्क. आपका फोन कहाँ है, अगर आप अपना फोन ढूंढ रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेयर इज माई फोन. आपका पेन कहाँ है, वेयर इज योर पेन. आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर होम. दिस इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन जो आप बच्चों से ज्यादातर पूछते हैं हम लोग. ये एक अजीब इस्तेफाक है, इट्स अ स्ट्रेंज को इंसिडेंट. अगर आप कहीं पे उसी समय उसी जगह एक दोबारा मिलते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स अ को इंसिडेंट. ये किसने लिखा, हु रोट दिस. किसी ने दीवार पे कुछ लिख दिया हो तो आप पूछेंगे इंग्लिश में, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. अगर बच्चा लिख रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. कोई कुछ ढूंढ रहा हो तो उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. आप उससे पूछेंगे इंग्लिश में.
मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। अगर आपको भूख लग रही तो उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फीलिंग हंग्री। इस वर्ड को आप बच्चे को भी सिखा सकते हैं। मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। वो आपको बुला रहा है। ही इज कॉलिंग यू। ही इज कॉलिंग यू। अगर वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। शी इज कॉलिंग यू। क्या आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? अगर किसी से आप अचानक मिल जाते हैं तो आपसे पूछेंगे क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू रिमेम्बर? आप बहुत मजाकिया हो। यू आर सो फनी। यू आर सो फनी। आपने मुझे हंसा दिया। यू मेड मी लाफ। यू मेड मी लाफ। कोई ऐसी बात पे अगर किसी को हंसी आती तो आप बोल सकते हैं मेरा हाथ पकड़ लो। होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड। ये चीज़ आप ज़्यादातर बच्चे से ही बोलते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो। सो इंग्लिश में आप बोलेंगे होल्ड माई हैंड। वो ज़रूरतमंद है। ही इज़ नीडी। ही इज़ नीडी। किसी चीज़ को ज़रूरत है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू से एनी थिंग। नो नीड टू से एनी थिंग। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? किसी से आप कुछ बात करो तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। योर थिंकिंग इज ग्रेट। योर थिंकिंग इज ग्रेट। कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? अगर आप फोन में बात करते तो आप उसको पूछते हु इज स्पीकिंग। अगर आपको उसको पता नहीं है तो आप पूछेंगे हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग। क्या तुम कल आओगे? वुड यू कम टुमारो? आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे क्या तुम कल आओगे? वुड यू कम टुमारो? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। किसी की आप मदद करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। हमें देरी हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वी आर गेटिंग लेट। क्या तुम्हें क्या हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किसी को कुछ होता है तो आपसे पूछेंगे कोई बात नहीं कर रहा हो तो आपसे पूछेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? श्योर मत करो। डोंट मेक अ नॉइज। या बच्चों से ज़्यादातर पूछते हैं बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन। ये भी चीज़ें आप बच्चे से ज़्यादातर बोलते हैं। तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? What do you think? किसी भी कुछ सोचते हैं तो उस चीज को आप बोलेंगे What do you think? Believe in yourself. ये आप encouraging word ज़्यादातर बच्चों को आप बोलते हैं। क्या नया करने की कोशिश करो? कुछ नया करने की कोशिश करो। Try something new. Try something new. कभी हार मत मानो। Never give up. Never give up. मेरी सलाह मान लो। टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस। ये मुझसे मत समझाओ। डोंट एक्सप्लेन इट टू मी। डोंट एक्सप्लेन इट टू मी। मैं वहां नहीं गया। आई डिडंट गो देयर। आई डिडंट गो देयर। किस पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एनी वन। डोंट ट्रस्ट एनी वन। ज़्यादातर हम लोग बच्चों से बोलते हैं दूसरे पर मत हंसो। डोंट लाफ एट अदर्स। दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड मैनर दैट वी टीच आर चिल्ड्रन। कुछ अच्छी चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते हैं। डोंट लाफ एट अदर्स। मतलब दूसरों पे हंसो मत। लापरवाह मत बनो। डोंट बी केयरलेस। डोंट बी केयरलेस। मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू दिस। कभी कभी बहुत सी चीज़ें हम लोग करने को बोलते हैं तो मजबूरी में बोलते प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। डोंट मेक मी डू दिस। ये मेरी गलती नहीं है। इसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कमेंट एंड लेट मी नो। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो हाउ वाज टुडेज वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और मैंने आपको एक इंग्लिश का एक हिंदी होमवर्क भी दिया है, सो प्लीज मुझे बताइएगा ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कि आपका वो सेंटेंसेस आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे।
तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बट जाने से पहले, गुड बाय करने से पहले, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश वाली जोसेफ मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल।